गाइस इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में। वेली कर सकते हैं रेसलमेनिया 38 में अपना रिटर्न और कन्फर्म कर सकते हैं बैकी लिंच को, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना तो वो आपको बताने वाला हूँ। और भाई बात करने वाले अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम के बारे में, भाई क्या हुआ उस सेरेमनी में तो वही बताऊंगा। इसमें डॉन्की व्यूअरशिप आ चुकी है, घटिया शो की अच्छी व्यूअरशिप आई है, बताने कैसे लेकिन बताने वाला हूँ। स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस के बारे में बात करने वाले, तो सब जानने के लिए बड़ों को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर हमें चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, को शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE से रिलेटेड न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के कमाल को स्टार्ट करते हैं। भाई बातों को शुरू कर लेते हैं अंडरटेकर के साथ। तो भाई अंडरटेकर जो हॉल ऑफ फेम में आते हैं भाई, वही उनके कमाल के एंट्रेंस और भाई क्राउड क्रेजी होता है एकदम यार। थैंक यू टेकर के और यू डिजर्व के चैंस लग रहे होते हैं। अंडरटेकर भाई अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, भाई एक एक बंदे का नाम लेते जो उनकी जर्नी में लाए। केन का भी नाम लेते कि भाई केन ने मेरे सारे मुंह चुरा लिया लेकिन वो मेरे से अच्छे मुंह करता है। और भाई सब मतलब बहुत ही तगड़ी वाली स्पीच थी, एकदम ए क्लास स्पीच थी। लेकिन भाई स्पीच के बाद उन्होंने ऐसी चीज़ कही है, नेवर से नेवर अपना सूट पहनाओ का नेवर से नेवर। तभी से रिपोर्ट्स निकल गई अंडरटेकर जो लास्ट मैच लड़ सकते हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि अंडरटेकर को लास्ट मैच लड़ना चाहिए या फिर लड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी। अंडरटेकर ने खुद ही कहा था कि वो जो है एक लास्ट मैच दे सकते बहुत अच्छा, लेकिन वो अपने लेगेसी को ख़राब नहीं करना चाहते इसलिए वो लास्ट मैच नहीं लड़ेंगे। तो भाई हमें ये नहीं मानना चाहिए कि लास्ट मैच वो लड़ने वाले, भाई कहते उन्होंने नेवर से नेवर कहा तो मैं सोच आपको बता दिया जाए। बात कर लेते भाई मिस्टीरियोस के बारे में। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो चाहते हैं कि उन्हें एक फादर सन मूवमेंट मिले जैसे मैं 38 में, तो हो सकता है कि आपको 669 लगाते हुए नजर आ जाए द मीज एंड लोगन पॉल। बात कर लेते भाई घटिया स्मैकडाउन की अच्छी व्यूअरशिप के बारे में, तो मुझे नहीं पता कैसे लेकिन स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है 2.229 मिलियन व्यूअर्स। तो भाई जो आने वाली फाइनल व्यूअरशिप वो तो 2.35 के आसपास जाने वाली है। तो भाई आपके थॉट्स इस पर कमेंट से जरूर बता देते। भाई केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड के बारे में, भाई मैच से कुछ ठीक घंटे पहले मतलब कुछ 24 घंटे पहले इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जो केविन ओवेंस एक वीडियो जारी करते भाई उसमें कहते हैं कि भाई 22 साल हो गया रेसलिंग में, वो टाइम आ गया है जब मैं भाई लिंक शेयर करने वाला हूँ स्टोन को स्टीव ऑस्टिन के साथ। और इसके दौरान भाई वो थोड़े यार इमोशनल भी हो जाते हैं, मतलब इमोशनल मतलब समझ जाओ। तो भाई उनके लिए बोल रहे बड़ा मूवमेंट है कि वो स्टोन को स्टीव ऑस्टिन हॉल ऑफ फेमर के साथ जो है लिंक शेयर करने जा रहे हैं। वो क्या होगा वो तो हमें कुछ घंटों पता चलने वाला है। बात कर लेते भाई रेसलमेनिया रॉ रेसलमेनिया स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई इनमें जो क्राउड आया था ना, जो नंबर था क्राउड का, वो भाई सबसे ज्यादा था 2022 में। तो छोटी सी अपडेट तो आपको बता देता हूं। बात कर लेते भाई जॉन सीना का, जॉन सीना कहते भाई उनकी नजर है रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच पे, तो बस यही था और कुछ है नहीं आप बताने। बात कर लेते भाई डेमियन पीस के बारे में। तो भाई डेमियन पीस का कोई मैच नहीं ऐसे मेनिया में, लेकिन डेमियन पीस ने कहा है कि भाई मैं जो अरीना में आने वाला हूँ बैक स्टेज नहीं, मैं यार क्राउड के सामने भी अपीयर होऊंगा। तो देखते भाई वो क्राउड के सामने आके क्या करने वाले। अब देखो भाई बात कर लेते बेली के बारे में। भाई इस न्यूज को जो ध्यान से समझना, बैकी लिंच ये बात रिवील करती है कि लास्ट ईयर जैसे मैं 37 में वो रेडी थी रिटर्न करने के लिए और उनका जो यह फ्यूड चलने वाली थी बेली के साथ। अब समझ लो मतलब इस साल बैकी लिंच आ चुकी है, बेली भी डैलस टेक्सास में है, तो हो सकता है कि बैकी लिंच आपको रिटर्न करती हुई नजर आए और फिर वहाँ से थीम सॉन्ग बनने वाला बेली का और बेली करके रिटर्न करने वाली कन्फ्रंट बैकी लिंच। मुझे इस चीज़ की हाई है पॉसिबिलिटी लगती है क्योंकि 2 दिन पहले भाई आसपास बेली को वहाँ बुलाया गया, तो किसी न किसी के रिटर्न तो जैसे महीने में होनी है और किसी दूसरे के जैसे महीने रॉ में होने वाली है। भाई कैसे आपको क्या लगता है कहाँ हद तक मेरी सोच सही जा रही है वो तो कल जैसे महीने में पता चली जाएगा। भाई कैसे वीडियो के लिए अपडेट्स थे, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। टेक केयर।